Hi there everyone, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing really really well. I know आप thumbnail और title पढ़ के आए हो कि आज का video जो होने वाला है वो होने वाला है comparison video between Tarte and Maybelline Age Rewind. Now you must be wondering यार Tarte का concealer के Age Rewind से क्या टक्कर है, जमीन आसमान का अंतर है इनके प्राइस में. लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, वीडियो के एंड तक ना आपका ये जो परसेप्शन है बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग. सबसे पहले अगर मैं दोनों कंसीलर्स की प्राइस की बात कर लू ना, मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर आपको नायका, एमेजॉन, मिंत्रा एंड मेबलिन के ऑफिशियल वेबसाइट हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है. इसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है गाइज, बिकॉज एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है. लाइक रिसेंटली अगर आप नायका पर इसका प्राइस देखो, मैं स्क्रीनशॉट यहां पर एड कर दूंगी, ये अराउंड 700 कुछ आपको पड़ जाता है. लाइक इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, सेल में कई बार आपको 600 से 700 के बीच में भी मिल जाता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टार्ट शेप टेप कंसीलर, टार्ट के कंसीलर में दो साइजेस आते हैं, एक छोटा वाला आता है एंड एक इसका ओरिजिनल साइज आता है. टार्ट का कंसीलर आप उनकी एक्चुअल वेबसाइट से ले सकते हो या फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम स्टोर हैं जो आपको ओरिजिनल इंटरनेशनल मेकअप प्रोडक्ट्स देते हैं. एंड यू कैन इवन विजिट स्टोर्स अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हो, गुड़गांव साइड जहां पर एक्चुअल यू नो टार्ट के स्टोर वगैरह होंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो. मैंने इसको परचेज किया था फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर, मनी राम बलवंत राय. दे लिटरली हैव लेजिट इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स. एंड ये छोटी वाली पैकेजिंग जो है ये 1200 के अराउंड समथिंग कुछ पड़ती है, और जो बड़ी वाली पैकेजिंग है दैट इज समथिंग अराउंड 2800. तो लिटरली हाफ से भी कम प्राइस मिलता है आपको छोटी वाली पैकेजिंग का. एंड ये इस तरीके के कंसीलर्स होते हैं ना जो आप डेली बेसिस पे यूज नहीं करते हो, जब आपको हैवी मेकअप करना होता तब आप यूज करते हो. सो आई फील लाइक कि छोटी पैकेजिंग एक स्टील डील रहती है इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ बिगर पैकेजिंग अंटिल एंड अनलेस यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट. बट मुझे लगा मेरे लिए छोटी पैकेजिंग मोर देन इनफ है तो मैंने ये ली थी. सो प्राइस का आप डिफरेंस देख सकते हो कि टार्ट कंसीलर एक्चुअली एज रिवाइंड से बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है. ठीक है, यहां पर एज रिवाइंड कंसीलर में जो आपको क्वांटिटी मिल जाती है दैट इज 6.0 ml, और मेरा जो एज रिवाइंड में शेड है दैट इज 120 लाइट इज लाइक काइंड ऑफ अ गुड शेड फॉर मी. और अगर जब मुझे बिल्कुल ही हाईलाइटिंग के लिए जाना हो तो आई यूज द शेड फेयर जो उनका सबसे लाइटेस्ट शेड है. एंड जो ये वाला है दिस इज दी टार्ट शेप टेप कंसीलर, यहाँ पे आपको 1 ml की क्वांटिटी मिल रही है. लाइक बिकॉज बहुत ही छोटू सी पैकेजिंग है, यू कैन टेक अ लुक. और मेरा जो इसमें शेड है वो है 22 n लाइट न्यूट्रल. अगेन दिस इज अ गुड मैच फॉर मी, लेकिन हाईलाइटिंग के लिए मुझे इसका और लाइटर शेड चाहिए तब जाके मेरे लिए वर्क करेगा. बातें बहुत हो गई, सबसे पहले ना डायरेक्टली इनकी एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई आई एम लाइक इवन कंपेयरिंग दीज टू प्रोडक्ट्स विद ईच अदर. सो लेट्स गो. फर्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली अप्लाइंग द प्राइमर. मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ये, दिस इज द स्विस ब्यूटी मैटिफाइंग मेकअप प्राइमर. सो आई एम डन विद द प्राइमर, मैंने अच्छे से प्राइमर की एप्लीकेशन कर ली है. एंड नाउ लेट्स मूव इनटू द कंसीलर्स. मैं एक साइड पर अप्लाई करने वाली हूँ टार्ट, लाइक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माय फेस. यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ बहुत ही क्यूटू सा छोटू सा एप्लीकेटर मिल जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी यू नो स्मॉल कंसीलर, तो इसका एप्लीकेटर भी बहुत छोटा है. थोड़ा सा ना मैं ज्यादा लगा रही हूँ सो दैट वी कैन एक्चुअली सी कि इसकी कवरेज आपको कितनी मिलती है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई आईलिड्स लाइक दिस सो दैट वी कैन एक्चुअली सी कि कितना डिफरेंस है दोनों की कवरेज में. ऑल्सो ये ना मेरा खत्म होने वाला कंसीलर, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बाहर नहीं आ रहा. आई थिंक दिस इज लाइक मोर देन इनफ, दिस इज दी टार्ट. एंड सबसे पहले ना हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं, बिकॉज वन आपको ये लगेगा कि मैंने एज रिवाइंड को थोड़ी देर ज्यादा रख दिया तो क्या पता उसकी पिगमेंटेशन ज्यादा हो गई हो. बिकॉज इट सेड कि जब आप कंसीलर थोड़ी देर के लिए रहने देते हो तो उसकी पिगमेंटेशन बढ़ जाती है. नाउ लेट्स जस्ट ब्लेंड दिस आउट. आई एम जस्ट यूजिंग अ बेसिक ब्रश, कंसीलर ब्रश. टार्ट का जो ये वाला कंसीलर है इट ब्लेंड्स आउट वेरी वेरी नाइसली. इवन दो ये एक हाई कवरेज फाउंडेशन है, स्टिल जो इसकी फिनिश होती है ना ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल देता है. लाइक इट्स नॉट इवन कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत प्रोडक्ट यू नो अप्लाई कर रखा है या समथिंग लाइक दैट. ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सटल अच्छी सी आपको फिनिश देता है. यू कैन टोटली टेक अ लुक, इट ब्लेंडेड आउट सो नाइसली एंड इट्स लुकिंग लाइक दैट इट्स माई नेचुरल स्किन. मतलब जस्ट take a look at that, it's very very nice guys, I totally love it. Now on the second side let's just apply the age rewind concealer from Maybelline. That's it, warna aapko lagega ki maine ye wala zyada laga liya. Again the age rewind concealer is so easy to blend as well, ye bhi bahut hi aaram se blend out ho jata hai. एंड ये भी एक फुल कवरेज कंसीलर है, ये भी आपको बहुत अच्छी खासी अमेजिंग कवरेज दे देता है.
एंड वुड यू टेक अ लुक एट दैट, लाइक यू कैन क्लियरली सी द कवरेज. ऐसा नहीं है कि एज वन कंसीलर का शेड थोड़ा लाइटर था या डार्कर था. लेट मी जस्ट शो यू अ हैंड स्वॉच ऑफ बोथ द कंसीलर सो दैट यू कैन एक्चुअली नो. फर्स्ट अप आई एम गोइंग टू स्वॉच द टार्ट शेप टेप का कंसीलर. आई थिंक ना प्रोडक्ट थोड़ा सा एम्प्टी हो रखा है इसलिए बहुत सारा बाहर आ नहीं रहा है. जस्ट वेट, दिस इज द टार्ट शेप टेप कंसीलर एंड उसके नीचे आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस, अप्लाई दिस मेबलिन एज वन कंसीलर. यू कैन टेक अ लुक. शेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये वाला थोड़ा सा एक शेड लाइटर है बट स्टिल इफ यू टेक अ लुक हेयर अंडर आईज में यू कैन क्लियरली सी दिस लाइन एंड अ लिटल बिट ऑफ पिगमेंटेशन स्टिल बींग विजिबल. इवन दो मैंने दोनों साइड सेम क्वान्टिटी लगाई थी बट ऑन दिस साइड यू कैन सी कितनी ज्यादा अमेजिंग कवरेज और कितनी ज्यादा बढ़िया पिगमेंटेशन प्रोवाइड करके दी हुई है. नाउ लेट्स सेट इट. आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी यू नो कॉम्पैक्ट जिसमें यू नो थोड़ा कुछ कवरेज वगैरह होगा. आई एम यूजिंग दिस ट्रांसल्यूसेंट पाउडर सो दैट वी कैन एक्चुअली सी कि कवरेज कितनी रहती है इवन आफ्टर सेटिंग आवर फेस. सेट करने के बाद कंप्लीटली मैट फिनिश हो गई है इसकी. सो आई एम डन सेटिंग द टार्ट शेप टेप साइड एज वेल एंड नाउ यू कैन क्लियरली टेक अ लुक. I won't say कि ये वाला जो Maybelline का Age Rewind concealer है it's very much better than the Tarte Shape Tape concealer. But what I'm trying to say here is कि literally दोनों ही concealers में जमीन आसमान का अंतर है. Still the results are almost same. And जितनी देर में बात कर रही हूँ हमें ये भी पता लग जाएगा कि दोनों में से कौन सा कितना oxidize होता है या फिर नहीं भी होता. जितना मैंने इन दोनों concealers के use किया है they do not oxidize a lot. ठीक है, बहुत ही 19-20 का फर्क तो हर concealer में आ ही जाता है बट ये इतना oxidize नहीं होता कि आप का ऐसा प्रोडक्ट लगने लग जाए कि आपने कुछ एप्लीकेशन कर ही नहीं रखी या फिर कुछ. द बोथ ऑफ द कंसीलर्स आर वेरी वेरी नाइस, दे गिव वेरी अमेजिंग पिगमेंटेशन, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है एंड दे आर सूटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स एज वेल. कोई भी स्किन टाइप वाले इनको यूजली यूज कर सकता है बट इट्स जस्ट दैट कि एज रिवाइन कंसीलर इज सो मच लेसर इन प्राइस देन टार्ट शेप टेप कंसीलर. स्टिल आप उसका रिजल्ट देख सकते हो कितना ज्यादा अमेजिंग है. यू कैन क्लियरली टेक अ लुक. ये वाली साइड इज लुकिंग बेटर देन दिस साइड, इट्स क्लियरली क्लियरली विजिबल. सो इफ आई हैव टू चूज वन कंसीलर फ्रॉम दीज टू, लाइक इवन फॉर डूइंग ब्राइडल मेकअप्स, लाइक टार्ट का शेप टेप कंसीलर बहुत सारे लोग ब्राइडल मेकअप में यूज करते हैं फॉर कंसीलिंग फॉर हाइलाइटिंग बट लिटरली मेबलिन एज रिवाइन कंसीलर इज गिविंग यू द सेम रिजल्ट इन मच लेसर प्राइस. नाउ देयर इज दिस थिंग, आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि क्या ये प्रोडक्ट वाटर प्रूफ है क्या ये नहीं है. गाइज मेकअप इज नेवर वाटर प्रूफ, मेकअप कभी भी वाटर प्रूफ नहीं होता, मेकअप इज ऑलवेज वाटर रेजिस्टेंट. गलती से अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो आपके फेस पे गलती से थोड़ा सा पानी गिर भी गया जस्ट डैब इट आउट एंड यू आर गुड टू गो. मतलब मेकअप कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने लगाया आप उसको हटा रहे हो लेकिन वो हट ही नहीं रहा है. मेकअप इज नेवर वाटर प्रूफ एट ऑल, मेकअप से वाटर रेजिस्टेंट होता है और ये दोनों ही कंसीलर्स जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टे भी देते हैं आपको. या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. दिस वाज लाइक अ वेरी छोटू सा एंड क्विक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन बोथ ऑफ द कंसीलर्स कि किस तरीके से दोनों कंसीलर वर्क करते हैं और कौन सा इसमें से बेटर है. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पिक एज रिवाइन कंसीलर ओवर एनीथिंग बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन इज लिटरली इनसेन और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है आपको. एंड दोनों कंसीलर्स का जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में सो दैट अगर आपको इनमें से कोई भी बाय करना हो आप उसका परचेज कर सकते हो. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.